हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं कि आपके कनेक्शन में अब क्या होने वाला है। इमीडिएट नेक्स्ट मूव, इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग, सभी ह्यूमंस इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, एंड उसी के बेस पर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट भावनाएं क्या हैं। शादी का कार्ड आ गया, हायरोफेंट। शादी करना चाहते हैं फ्रेंड्स आपसे, और अगर शादी का इशू नहीं है तो ये कार्ड रीयूनियन को भी बताता है। तो मेजर एनर्जी इस बार आई है रीयूनियन और वेडिंग की, ना कन्फेशन की, ना कमिटमेंट की, ना प्रपोजल की। बहुत ही मेजरली एनर्जी डायरेक्ट आ रही है कि वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं। 5/14/23 डेट्स या नंबर्स कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। टॉरस एनर्जी कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो आपके पर्सन मेजरली इस कनेक्शन में रीयूनियन एंड वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं। क्या होने वाला है इस पर रीडिंग है, और डेफिनेटली अब आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार साइड में रखकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर अभी तक अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक थे वो, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वन साइड रखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ चुका है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो जब तक ज़िंदगी है तब तक रहेंगी ही, लेकिन ऐसा ना हो कि ये रिश्ता हाथ से निकल जाए, या फिर हर एक चीज़ का एक राइट टाइम होता है, ये टाइम हाथ से निकल जाए। तो अब आपके पर्सन आपके कनेक्शन में आने के बाद काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की फ़िक्र ना करते हुए अब उनको इस रिश्ते की फ़िक्र हो रही है। आपके साथ रीयूनियन एंड वेडिंग का एक्शन लेना चाहते हैं। चेक करते हैं हम और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। द स्टार आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। द मून है, सॉरी, एंड डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस टाइम उनका मन है कि सिर्फ आप उनको मिल जाओ। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है इन दिनों आप भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको मिरर कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा द जजमेंट। डेफिनेटली अगर आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें ओवर हो चुकी हैं या चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं, तो इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक नया मौका मांगना चाहते हैं। इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, अपने घर वालों या थर्ड पार्टी सिचुएशन से नहीं, डिवाइन से। डिवाइन पर इनका भरोसा इस कनेक्शन में आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और डेफिनेटली आपको लेकर इतने इमोशनल हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन एंड वेडिंग चाहते हैं, और डिवाइन से जस्टिस और इंसाफ चाहते हैं। बॉटम में द डेविल। डेविल को ज़रूर आना था इस एनर्जी को बिगाड़ने के लिए, और देखिए डेविल के साथ ही आ रहा है टावर। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप में से कई लोगों का सेपरेशन फेज चल रहा है, तो अब आपके पर्सन वो सेपरेशन फेज को ओवर करना चाहते हैं। एरीज़ की एनर्जी कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट है। कैप्रिकॉर्न कैंसर की एनर्जी कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। जेमिनी लिब्रा अक्वेरियस की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 4/22/13/31 कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 2/11/29/20 कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 6/15/24 and 9/18/27 ये डेट्स या ये नंबर्स आप में से कई लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ डेविल एनर्जी जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड नेगेटिविटी को बताती है, वहीं डेविल एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, और उनका दिल बहुत घबरा रहा है।
आपकी बहुत फिक्र, आपकी बहुत चिंता हो रही है और थर्ड पार्टी के सिचुएशन को ओवर करके अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि नेक्स्ट इस कार्ड आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हायरोफेंट क्यों आया है, द हायरोफेंट क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। द चैरियट, डेफिनेटली हायरोफेंट आया है, आपके पर्सन वेडिंग और रीयूनियन का एक्शन लेना चाहते हैं। सो कूल रीडिंग, मैं बहुत आज खुश हूँ आप लोगों के लिए कि आप में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग और रीयूनियन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स बताएं द एम्परर क्यों आया है, 9 of Wands, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको रोक रही थी एक्शन लेने के लिए, अब उनके अगेंस्ट जाकर, उनको पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था तो हो सकता है नेक्स्ट 9 days 9 weeks में ये आपको अनब्लॉक करें एंड आपके साथ रिकन्सिलेशन करके रीयूनियन एंड वेडिंग करने की कोशिश करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं द मून क्यों आया है, द मून क्यों आया है। फ्रेंड्स, ये मेरा पपी है जो बार बार भौंक रहा है और मैंने इनका एक अलग से चैनल बनाया है। अगर आपको डॉग्स की वीडियोस देखना, पेट्स की वीडियो देखना पसंद है, आप भी पेट लवर हैं, तो डेफिनेटली वो चैनल आपको बहुत पसंद आएगा, जाके ज़रूर देखिए। उनके लिंक्स अक्सर मैं कम्युनिटी टैब में शेयर करती रहती हूँ। द मून के लिए आया है 6 of Cups। फ्रेंड्स, अगर आपके बीच में कुछ इमोशनली डिस्टर्बेंस हुई थी, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था एंड आप दोनों की ढंग से बात नहीं हो रही थी, तो अब आपके पर्सन वो लड़ाई झगड़े को, वो कन्फ्लिक्ट को, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवर करके आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ कोई सरप्राइज़ प्लान करना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं और आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं जजमेंट क्यों आया है, द जजमेंट क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। द जजमेंट क्यों आया है, 10 of Wands, इसको दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं और 10 of Swords और 7 of Wands, ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर अभी तक आपके पर्सन ने आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, औरों के मैनिपुलेशन का आपके पर्सन शिकार हुए, धोखेबाजों पर आपके पर्सन ने विश्वास किया और आप पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपके पर्सन को उनका असली चेहरा दिखाई दे चुका है एंड आपके पर्सन को अपनी लापरवाहियों पर या फिर आप पर ट्रस्ट ना करने पर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है और डेफिनेटली उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा है खुद पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। अब आपके पर्सन इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट डेट्स हो सकती हैं। 7, 16, 25, 9, 18, 27 भी इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं डेविल एनर्जी क्यों आई है, डेविल एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स के साथ। अगर अभी तक आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकली प्यार करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, काफ़ी ज़्यादा लस्ट था, तो अब आपके पर्सन आपको इमोशनली भी बहुत चाहने लगे हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनके मन में सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन या लस्ट नहीं था, उनके मन में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत थी, जिसका रियलाइजेशन उनको अब होने लगा है और डेफिनेटली अब आपके पर्सन आपके लिए प्यार भरा प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। तो आगे आपके रिश्ते में क्या होगा, रीयूनियन एंड वेडिंग कब तक होगी, 5 to 7 months के अंदर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो 9 days या 9 weeks में आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, आपके आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है, सो दैट ये जो एनर्जी आई है इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेडिक्शन सही हो सके या फिर इससे भी जल्दी आप सब कुछ अचीव कर सकें। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए सो दैट जल्दी से रीयूनियन एंड वेडिंग हो जाए, इस प्रिडिक्टेड टाइम के अंदर हो जाए या फिर इससे भी पहले हो जाए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तो कंपैरिजन है, आपको किसी की लाइफ के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर नहीं करना, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है,
डाउन टू अर्थ रहना है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और इनसिक्योर हो रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए, दिल और दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, तभी लाइफ में आगे सब कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। और डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोगों का मैसिव रीयूनियन होने वाला है, सो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वो पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। एंड मैं कमेंट बॉक्स के नीचे रिप्लाई में कभी भी अपना नंबर मेंशन नहीं करती हूँ। अगर कुछ फ्रॉड्स लोग अपना नंबर मेंशन करते हैं तो आपको उनके चंगुल में नहीं आना है, उनके बहकावे में नहीं फंसना है, उनके मैसेज को रिपोर्ट करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।